नमस्कार, मैं पायल कनौजिया, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। छत्तीसगढ़ के 15.18 लाख परिवारों को जल्द मिलेगा पीएम आवास। केंद्रीय मंत्री ने जल्द स्वीकृति देने का दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली के कृषि भवन में कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित 15.18 लाख पात्र परिवारों के आवास का मुद्दा रखा, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने जल्द स्वीकृति देने का आश्वासन दिया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित 15.18 लाख परिवारों को अभी तक आवास की स्वीकृति नहीं मिली है। इसमें 6.99 लाख परिवार योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में है और 8.19 लाख परिवार आवास प्लस में शामिल है। मुख्यमंत्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा, नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2018 और आवास प्लस 2018 की सूची में अनेक पात्र परिवारों का नाम शामिल नहीं हो सका है। उन्होंने 10,500 नए पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करने का अनुरोध किया और साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पंचायतों को आवास निर्माण की स्वीकृति देने की मांग की।